डे टू है गाइस। सो क्यूट है, नींद बहुत ही अच्छी आई, इतना अच्छा वेदर था और ब्रश व्रश भी कर लिया, फ्रेश हो गए हैं। तो अब हम लोग आपको फिर से लेके चलते हैं सी पे। सी के पास होने का यही फायदा होता है, अगर आप सी के पास रहते तो आप हर मॉर्निंग वहाँ पे सूट पे निकले जा सकते हो। तो हमने ड्रेस भी अभी चेंज कर लिया, अपना आउटफिट चेंज कर लिया ताकि हमारे वो कपड़े गीले नहीं हो, क्योंकि ये हल्का कपड़ा है और आराम से मतलब इसमें हम सूट कर सकते हैं। तो इट्स बेस्ट टू वेयर शॉर्ट्स व्हेन यू आर गोइंग ऑन डेट। काफी शांति है यहाँ पे, हवा चल रही है, मस्त एकदम लग रहा है। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 9 बजे, ये सीन ऐसा लग रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। काश हमारे पटना में भी ऐसा वेदर होता, मतलब मजा ही आ जाता। ये सारे सेटिंग्स हैं, हट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, प्यारे प्यारा चेयर लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, सराउंडिंग में ऐसे पेड़ दिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम के लिए कि हम लोग कोई डिजर्ट में आ गए हैं। बंजर जमीन है, उधर घूमते हैं। एकदम सुबह के 5 बजे का भी मॉल में बट बज रहे हैं 9। पापा तो सही में एक्सरसाइज ही करने लगे सुबह के 5 बजे का मॉल देख के। घर पे तो उनसे एक्सरसाइज होती नहीं है, यहाँ पे पूरा मजा उठा रहे वो।
आकृति देख रहे हो लोगों की, अलग ही लेवल की है। देखो एक और आई घर बनाने के लिए, ले आते के साथ खराब कर दिया, आते के साथ पनौती है ये, सब लेके चली गई। चलो अभी घर सेफ है, अभी हम लोग उधर बैरिकेड लगाएंगे। बैरिकेड लगाने के लिए हमारे पास सीपी है, सीपी से बैरिकेड बनाओ इधर यहाँ पे। हाँ लाइन से लगाओ, कोई घर में एंट्री ना कर पाए। हाँ लो ये क्या बैरिकेड, कोई घर में एंट्री नहीं कर पाएगा बिना पूछे हम लोग से। सो सेफ हाँ, ठीक। यहाँ से गाड़ी चढ़ के ऊपर तक आएगी, यहाँ पे बैरिकेड सीप सेल से, और ये है हमारा घर जो एकदम गोल आकार में है, और यहाँ फूल वूल सब लगा हुआ है। वापस और यहाँ पे फूड वूड ऑर्डर किया है, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम रेगुलरली खा रहे हैं क्योंकि हमारे होटल से बहुत पास है और अच्छा व्यू भी है यहाँ पे। तो ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू, पिंक हाउस सी फूड रेस्टोरेंट। यहाँ का सी फूड बहुत फेमस है, चाय भी आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगी, और इंडियन ब्रेकफास्ट में पूरी पराठा सब कुछ है, थाली भी है। एपेटाइजर्स में आपका चिली मशरूम, पनीर, चीज़, पाइनएप्पल स्टिक सब कुछ मिल जाएगा। मेन तो यहाँ का सी फूड है। इसका मेन्यू देखिए, प्रॉन्स चिली, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस है, ज़्यादा महंगा नहीं है। हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है चिली प्रॉन और यू नो किंग फिश, तो मेन्यू अच्छा है और होटल के पास में है और व्यू भी बहुत प्यारा है, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं सी का मज़ा लेते हुए। सी का आवाज़ भी यहाँ पे आएगा। मैलो ये आ चुका है, बटर गार्लिक प्रॉन। दिस इज टेस्टी। आ चुका है किंग फिश, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। पापा प्रॉन्स कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा, खास नहीं था। खाए जा रहे हैं, प्लेट खाली हो चुका है और अच्छा भी नहीं लगा। गार्लिक भी उसका खा रहे हैं, अच्छे नहीं है तो छोड़ भी दीजिए अगर पसंद नहीं है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसीलिए पेट नहीं, यहाँ सब कुछ मिलता है, ज्यादा नाटक मत करिए। दूध ब्रेड मिलेगा आपको यहाँ पे? हाँ आप दूध ब्रेड भी खा सकते, मंगवा दे। ठीक, इसके बाद मूसली सर्व करवाते हैं, मूसली रखे हुए हैं, 90 रुपए का मूसली देते हैं, ठंडा दूध एंड गर्म दूध जो चाहिए।
अच्छा पापा, वो जो फिश खाए थे जल्दी जल्दी एक मिनट में स्वाहा हो गया, वो भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा, है ना? बहुत तीता था इसलिए अंदर घुसाने पड़ा पेट में। तीता था तो जल्दी जल्दी खाना पड़ा उल्टा। वाह, क्या रीजन देते हैं यार, गजब है। जा रहे हैं, बाकी नहीं खाइएगा, अभी प्रॉन चिल्ली भी आने वाला है। ओके बाबा बाय। चलो कुछ काम तो कर रहे हैं आप। मेनू भी ले आएगा पापा? हाँ जल्दी। उतना भारी आप उठा नहीं पाइएगा। गजब टर्न मारती हूँ मम्मी यार। प्रॉन चिल्ली, नासी गोरियन, चिकन फ्राइड राइस। ओके, ये है नासी गोरियन, ये है चिली प्रॉन, और वो है आपको चाहिए तो अलग से फ्राइड एग दे देते हैं, दो आएगा अलग से, वैसे ही बना के फ्राइड एग, फ्राइड एग खाने के। पापा आपको तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, सबसे पहले प्लेट आप ही उठाए। हमको बड़ा वाला प्लेट दीजिएगा, पापा तो खाएंगे नहीं, इनको छोटा प्लेट दे। सो ये दो टाइप का राइस है, दोनों ही अमेजिंग है, और ये चिकन है, टेस्ट अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यू ऑलमोस्ट डन। अभी हम लोग जा रहे हैं, 900 रुपये हमारे पास कैश था तो हम लोगों ने दे दिया, और बाकी गिरने के लिए हम लोग रूम के पास जा रहे हैं भैया को लेके, क्योंकि हम लोग कैश ज़्यादा लेके चल नहीं रहे थे, और यहाँ पे है कि अगर आप फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करोगे तो आपको 12% का GST लग जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इनको कैश देंगे ताकि हमारा 12% का GST बचे। आप लोग भी ये कर सकते हो। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड आज के लिए मैंने ये ड्रेस पहना है प्यारा सा, और सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes में हम लोग निकलेंगे। वी आर अ लिटिल लेट टुडे क्योंकि आज सबने बीच पे बहुत इन्जॉय किया और खाना खाने में बहुत टाइम लग गया, सो थोड़ा लेट हो गया है, बट वी विल ट्राई कि कोणार्क और चंद्रभागा एंड गोल्डन बीच कवर कर लें आज। पापा मांग रहे, उनको नहीं दे रहा, अपने पिए जा रहा है। गलत बात है, लेकिन कितने बेशरम हो यार तू, हमको लगा के पी लिया। अरे उससे क्या होता है, बेचारे को नहीं मिलेगा। अच्छा ज्यादा मत, बस पापा फर्स्ट में लड़ाई क्यों करते हैं? पापा लड़ंको गए क्या मम्मी? ऐसा ही लग रहा बेटा, लड़ाई नहीं करते, बस पापा को हम लोग रॉयल बना दिए, सब कुछ पापा को पहले दे देते हैं, हमको लगा कि पहले पी चुके हैं। सॉरी सर, चल रहा है सॉरी गेम। फूल, ओ फूल, फूल स्पॉटेड, क्या फूल है यार, कहां फूल पापा था, वो तो लाल रंग का कुछ चिपकाया दोनों ने। मम्मी को लोल ही बना देते हैं पापा हमेशा, शादी में लोल बना के कर लियो। क्या गाया क्या लगा रखे थे, तुम्हारी पड़ती मेरी पड़ती मेरा मन। तो 800 में हमने ऑटो बुक कर लिया है, कोणार्क टेम्पल, चंद्रभागा बीच, गोल्डन बीच, और छोटा मोटा और 2-3 स्पॉट है मंदिर का, वो भी कवर अप करेंगे जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है ये, हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे और चलेंगे। कोई नहीं लेगा तुम्हारा, चलो ले लो। ये था हनुमान जी का मंदिर, हमने यहाँ पे बस दर्शन किए और अब हम लोग निकल रहे हैं कोणार्क मंदिर के लिए। मंदिर बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा है, क्यूट सा, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो हमने जल्दी से दर्शन किए और अब हम लोग निकल रहे हैं। पूरी का मरीन ड्राइव, मेरे को भी चाहिए एक, गरीब इंसान को भी। थैंक यू, वाओ थैंक यू बिट्टू, यू आर द बेस्ट। आ गए लोग सही में, वाओ वो मालिक कर सकते हैं मम्मी, बहुत जाना है, एंड यहाँ पे एक फोटो स्पॉट हो जाएगा, क्यूट सा फोटो आ जाएगा यहाँ पे आपका।
दिस इज द एरिया, यहाँ पे हम लोग वॉक करके भी जाएंगे। अडबू जी चलो चलो, किस साइड जाना है अंकल? इस साइड। अच्छा मंदिर इस साइड है, ये देखो मंदिर यहाँ पे है। हम लोग वॉक करके जाएंगे अभी, और वहाँ पे टिकट लगेगा आपको 40 रुपीज का पर पर्सन, एंड देन वहाँ से एंट्री होगी। ये ड्राइवर अंकल हमारे साथ है, ये हमें लेके जाएंगे वहाँ तक। इन लोग का फोटोशूट ख़त्म हो तब तो हम लोग जाएँ। अब नहीं चाहिए गए। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है यार, हर जगह फ्लावर ही फ्लावर लगे हुए हैं, बस सो ब्यूटीफुल। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, कोणार्क टेम्पल के पास, और जो एंट्री होता है वो 40 रुपीज़ एंट्री फी होता है। बट हम लोग अभी आए हैं 12 अगस्त को, तो यहाँ पे 15 अगस्त के कारण हमें एंट्री जो है वो फ्री मिल रही है। सो जब तक 15 अगस्त है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में उन पर एंट्री फ़ी है, तो वी आर लकी एंड हमें कोई भी एंट्री चार्ज नहीं देना पड़ेगा मंदिर के दर्शन करने के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं मंदिर के पास, काफ़ी क्लोज हैं। वेदर ने काफ़ी साथ दिया है अभी तक, हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड हम लोग उसी में दर्शन कर रहे हैं। चलिए मंदिर का एंट्री।